हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद शिवी। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि मैं से कुछ लोगों ने पूछा था कि दीदी डे केयर में आप गए, ठीक है, सबने अपना बताया और लोगों ने बताया कि हाँ ठीक है, बट कुछ उसमें से एक दो लोग थे जिन्होंने मुझसे पूछा था फीस स्ट्रक्चर का कि कितनी फीस लगती है। तो मैं आज आपसे वो फीस स्ट्रक्चर का एक बता देती हूँ ग्राफ की क्या लगता है। देखिए, हर स्कूल का एक अलग अलग फी होता है, बट जिसमें मैं गई थी, मैं स्कूल का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी उस डे केयर का, बट आसपास कितनी लगती है सबके आसपास ही होती है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पे शिवी का जब हम देखने गए थे, एडमिशन कराने गए थे, तो उस टाइम पे एडमिशन क्या, फर्स्ट डे हम देखने ही गए थे, कोई एडमिशन फर्स्ट डे ही नहीं करा देता क्योंकि आप डे केयर में डाल रहे हो एडमिशन के पर्पज से, मतलब स्कूल में नहीं डाल रहे हो, डे केयर में डाल रहे हो। तो हम देखने गए थे वहां पे, हमने बच्चों को देखा, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, ये कर रहे थे, अट्रैक्टिव चीजें होती है वो। तो उस टाइम पे हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया था, जो कि रजिस्ट्रेशन का फी था 1 वीक का, मंडे टू फ्राइडे का था आपका 1500, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट था, बट हमने ट्रांसपोर्ट नहीं लिया था, तो ट्रांसपोर्ट का डायरेक्ट 500 डिस्काउंट करके 1000 रुपीज था, क्योंकि मुझे पता था कि शिवी छोटी है, स्टार्टिंग में उसको ट्रांसपोर्ट से नहीं भेजूंगी मैं, ऐसे नहीं कि मैं फर्स्ट डे ही गाड़ी से लेकर उसको भेज दूं बस से, और भले उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा है, बट मेरी बेबी जो है अब इतनी छोटी है कि मैं ऐसे नहीं भेज सकती। तो अब हालांकि आप, मैं आप वीडियो जो ये डे केयर है वो कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, मैंने बंद कर दिया, क्योंकि आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ मैं फीस स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ कि कितना होता है। तो उस टाइम पे जब उन्होंने हमें बताया था तो फीस स्ट्रक्चर क्या था, अगर आप फोर टू फाइव आवर्स के लिए लेते हो, तो वहां पे आपको 4 to 5 आवर्स के लिए आपको 4500 रुपये चार्ज किया जा रहा था। यहाँ पे 4000 रुपये आपकी फीस थी, 500 रुपीज आपका ट्रांसपोर्ट था। बट अगर आप वही 8 से 10 घंटा ले रहे हो, तो डायरेक्ट आपकी 10,000 फीस है विद ट्रांसपोर्ट। उसमें कोई अलग से उन्होंने बताया नहीं था कि ट्रांसपोर्ट का कितना अलग से ले रहे हैं, शायद 1000 या 1500 जो भी ले रहे हैं, बट ये था कि हाँ इसमें आपको 10,000 रुपये पूरी प्रॉपर फीस जा रही थी बच्चे की, जिसमें बच्चे का मील भी था, बच्चे का डायपर वगैरह चेंज करने का जो पूरा होता है वो सारी फैसिलिटीज इसमें इंक्लूड थी, और बच्चे का ये इसमें मगर बातिंग का नहीं था कि अगर जैसे बहुत से बच्चे मॉर्निंग में आ जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग हम नहीं बच्चे को बात दे सकते हैं, नहीं नहला सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ठंड लग जाएगी, चाहे वो ठंड का मौसम हो चाहे गर्मी का, और बच्चे नींद से उठते ही मान हम बच्चे को नहला नहीं सकते हैं, तो ये कॉमन चीज थी, बट वहां पे ये बातिंग का नहीं था फैसिलिटी। उन्होंने पहले बोला था कि नहीं ये हम नहीं दे सकते हैं, बाकी उसके बाद सब कुछ इंक्लूडेड है आपका, बच्चे का पूरे तीनों टाइम, 3 से 4 टाइम बच्चा जो मील करता है, होटल फीड करता है, ये सब कुछ मिला के 10,000 पे था। अब डिपेंड ऑन कि अगर आपको 2-2.5 घंटे के लिए छोड़ना है, तो उसके हिसाब से वो पर आर का आपका फी जो है वो उस हिसाब से वो आगे पीछे कर सकते हैं। और ये सारी फीस जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने जिस डे केयर में थी उस, मतलब जिसमें मैं गई थी शिवी के लिए, काफी अच्छा था। अब आप कहेंगे 10,000 बहुत कॉस्टली, नहीं है, बिल्कुल काफी कॉस्टली भी है, बट इससे भी ज्यादा भी आप अगर देखा जाए तो बहुत सारे और भी हैं जो 15-16,000 भी लेते हैं, 15-16 तो नहीं, मतलब 12-15 तो लेते ही है, 12 से इन बिटवीन 15 तक लेते ही लेते हैं, तो इतने ऐसे भी हैं। और बट ये है कि उनमें बहुत ज्यादा बच्चे थे, बहुत ज्यादा बच्चे थे, फैसिलिटीज उसमें थोड़ी अलग थी। आप देखिए, डिपेंड भी करता है कि आप कौन से डे केयर में डाल रहे हो, ये भी बहुत डिपेंड करता है। हम सोचे थे हम जिस डे केयर में डालेंगे थोड़ा सा उसमें बच्चे कम हो, ताकि टीचर ज्यादा फोकस कर पाए हमारे बच्चे पे, ये हर एक माँ सोचती कि हमारे बच्चे पे ज्यादा फोकस कर पाए, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे तो टीचर्स उतने बच्चों को ग्रुप में लेकर बैठेगी, अगर बच्चा रो रहा है तो इतना फोकस नहीं हो पाता। बट स्टिल ऐसा नहीं था कि आप सबसे, मेरा माइंड हो सकता, देखो मैं भी ह्यूमन बींग हूँ, मैं भी गलत हो सकती हूँ, जरूरी है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ तो मैं हर चीज सही और परफेक्ट ही बना रही हूँ, है ना। तो वहां पे मैंने जब एब्जॉर्व किया ये किया, तो मैं बहुत ज्यादा, मेरी जो थिंकिंग थी वहां पे वो बहुत सारी चीजें गलत थी और डे केयर को लेकर। और जब मैं वहां पे गई, मैंने ऑब्जर्व किया, तो मुझे लगा नहीं कि एक छोटे बच्चा जब तक बोलता नहीं है तब तक उसका एडमिशन नहीं कराना चाहिए। मुझसे एक मेरी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि दीदी किस एज में कराना चाहिए, तो मैं उनसे यही बोलूंगी एज मैटर नहीं करता, मैटर करता कि आपका बच्चा अगर आपसे बात कर सकता, आपको बता सकता आके घर पे कि मम्मा आज मेरा डे कैसा गया था, मम्मा आज मैंने डे ये किया, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स ने ये बात की, मैम ने ऐसा बोला, बस किसी ने उसको हर्ट भी किया, तो वो आपको बता सके एटलीस्ट। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है, इसलिए डे केयर में मैंने अपनी बेबी को नहीं डाला, और इन फ्यूचर की तो बात अलग है, बट अभी तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अब क्या है, जब मैं इतना रुक चुकी हूँ तो 1.5-2 साल के बाद, आजकल बच्चे 2.5-3 साल पे, 2.5 या 2.75 साल पे प्ले स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, तब बच्चे अच्छे से बोल भी लेते हैं, तो मैं उस ड्यूरेशन में अपने बच्चे को अब डायरेक्ट प्ले स्कूल में ही भेजूंगी, कोई बात नहीं है, सब एकदम वो।
चिल मारो और अपना काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए ये इसलिए मैंने उनसे बोला था कि मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूंगी, तो मैं एक एक दिन छोड़ के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, मतलब 1 ईयर की है, थोड़ी सी बड़ी इन द सेंस की 1 ईयर 14 मंथ कंप्लीट कर लिए हैं शिवी ने, और शिवी ने 14 मंथ कंप्लीट किए, तो बस यही लगता है कि अब थोड़ा सा टाइम और देना पड़ता है। बच्ची भागती है, खेलती है, जगह जगह पे देखना पड़ता है। और जैसे कि आपने देखा था, कभी कभी मैं यहाँ पे ब्लू जो कर्टेन है उसके पास में बनाती थी, पर स्टिल देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं बेड पे अभी बैठी हुई हूँ और शिवी ने देखी, ये देखी क्या हाल किया, क्योंकि पर्दे को लेकर इसको खींच लिया था और पर्दा नीचे गिर गया और बस ये टूट गया। तो हमें अभी ये लेना है, ये कहाँ मिलेगा ये हमें समझ नहीं आ रहा, ऑनलाइन तो नहीं समझ में आ रहा हमें, और ये कहीं लोकल मार्केट भी जाकर देखना पड़ेगा। तो उसको भी हम जल्द से जल्द लेंगे और लगवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कर्टेन नहीं लगा तो बहुत अजीब सा लग रहा है। तो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, बच्चे क्या तोड़ेंगे, कभी फोड़ेंगे, कभी कुछ करेंगे। और अभी मैडम जग चुकी हैं और जगने के बाद भी मैडम की फुल टू शैतानी शुरू है। अब बाहर जाने के लिए और अपने डैडा के साथ घूमने के लिए, गाड़ी में बैठने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि गाड़ी में बैठना है, तो उतरती नहीं है कि मुझे बैठ के घूमना ही है। तो बच्चे होते हैं सारे ऐसे ही होते हैं, मेरा बच्चा नहीं, सबके बच्चे ऐसे होते हैं, ये टाइम सब बच्चों के साथ एक एक वही जो है घूमता रहता है, फिरता रहता है। तो बस मैंने सोचा कि मैं एक फीस स्ट्रक्चर का बता दूं। तो ओवरऑल जो फीस होती है वो मेरे जहाँ पे मैं थी वहां पे 10,000 था, और वैसे बहुत सी जगह पे होता है 8,000-9,000 में भी हो जाता है, बजट में भी हो जाता है, बट डिपेंड करता है आप कौन से डे केयर में डाल रहे हो, और बहुत से में 12,000-13,000 रुपए भी लग जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, 1 सेकंड गाइस, तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए शिवी जो है ना अभी इस वक्त बहुत ज्यादा जो है थोड़ा थोड़ा सा मतलब समझदार हो रही है, तो शैतानी भी करती है, और देखिए बिल्कुल भी नहीं ये मेरे पास टिकेगी। शिवी से हाय 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 हाय, देखो हाय, आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं आई चो ना बेटा को निन्नी आई, मेरा बच्चा। तो मेरी बच्ची को अब फिर से निन्नी आ गई, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठ गई थी, कल रात में सो गई थी। वाह 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 वाह, बाय 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 कर रही है, बाय बाय बाय। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जिनको मेरा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक लिए बाय एंड टेक केयर।